दोस्तों, आप सबको याद होगा गुरुग्राम में एक बस पर पत्थर फेंके गए थे, और ये भी याद होगा कि उन पत्थर फेंकने वालों को फरहान अख्तर ने, राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने आतंकवादी कहा था, टेररिस्ट कहा था, और यहां तक कह दिया था कि ये क्या गीता और रामायण से सीख कर आए हैं मुसलमानों को मारना, ये ऑन रिकॉर्ड है, लिखित में है। आज इस देश में बसें जलाई जा रही हैं, पुलिस की चौकियां जलाई जा रही हैं, रेल के स्टेशन जलाए जा रहे हैं, ट्रेन की बोगियां जलाई जा रही हैं, पुलिस वालों पर पत्थर मारे जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, लेकिन आज इन्हें कोई आतंकवादी नहीं कह रहा, आज इन्हें मासूम स्टूडेंट्स बताया जा रहा है। मुल्क आज दोबारा से उसी मोड़ पर खड़ा है जहां बंटवारे से पहले 1947 से पहले खड़ा था। वही नारे देश की सड़कों पे लगाए जा रहे हैं जो बंटवारे से पहले लगाए गए थे, और कांग्रेस भी दोबारा उन्हीं लोगों के साथ खड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूं इस देश की मीडिया से और पत्रकारों से कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो नारे लगे, वो नारे जनता को दिखाए क्यों नहीं जा रहे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नारे लगे, वो नारे जनता को दिखाए क्यों नहीं जा रहे? सीलमपुर में, मुस्तफाबाद में, जामा मस्जिद के इलाकों में जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, बंटवारे के नारे लगाए जा रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, या इलाही इल्लल्लाह, ये नारा हर एक प्रदर्शन में लगाया जा रहा है। क्या ये आंदोलन का नारा है? जी नहीं, ये वो नारा है जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारने से पहले लगाया गया था, ये वो नारा है जो बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन लगाया गया था, ये वो नारा है जो आईएसआईएस के आतंकवादी लगाते हैं। इस प्रकार के नारों को एक छात्र मूवमेंट का नाम दिया जा रहा है, स्टूडेंट आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, किस प्रकार के लोगों को हीरो बनाया जा रहा है? आयशा और लडीडा, जिनके इंटरव्यू बरखा दत्त लेती है, वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे खुल के लिख रही हैं कि याकूब मेनन और अफजल गुरु हमारे हीरो हैं। वो खुल के लिख रही हैं कि हम सेकुलरिज्म को नहीं मानते। वो खुल के लिख रहे हैं कि वो इस देश में इस्लाम का राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया आपको बता नहीं रहा है, मीडिया इस आंदोलन की सच्चाई आपको नहीं बता रहा है। अमानतुल्ला खान का भाषण आपने सुना होगा, सीए भी आया ना, कल क्या करेंगे ये लोग, कि मस्जिदों से आजार नहीं होगी, माइक नहीं लगेंगे, परसों क्या कहेंगे कि दाढ़ी टोपी में कोई भी आदमी नहीं रहेगा। क्या बोल रहा था अमानतुल्ला खान? क्या वो सीएबी के बारे में बोल रहा था? क्या वो एनआरसी के बारे में बोल रहा था? जी नहीं, अमानतुल्ला खान कह रहा था कि मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी बैन होने वाली है, बुर्का बैन होने वाला है, मस्जिदों में अजान बंद होने वाली है, माइक लगाने बंद होने वाले हैं। वो एक भड़काऊ भाषण था, वो दंगा करवाने की तैयारी थी, एक एक शब्द में जहर और झूठ भरा हुआ था। जामिया में जिन्होंने दंगा किया, उनको केजरीवाल की सरकार दे रही है 5 लाख रुपया और परमानेंट नौकरी। सीलमपुर में जिन्होंने दंगा किया, उनकी जमानत कराने के लिए विधायक हाजी इशराक खुद कोर्ट गया। दिल्ली के वक्फ बोर्ड के सरकारी वकील उनकी जमानत कराने के लिए खड़े हुए हैं। चाहे कांग्रेस का मतीन अहमद खान हो या आसिफ मोहम्मद, आम आदमी पार्टी का अमानतुल्ला खान हो या हाजी इशराक, ये सब के सब एक साथ खड़े हैं, एक जैसे नारे लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें यह समझना होगा कि आंदोलन के नाम पे इस देश में किया क्या जा रहा है, हमें यह समझना होगा कि हमें किस मोड़ पे दोबारा ले जाया जा रहा है। इन मुद्दों पे खुलकर बात करनी होगी, अब समय आ गया है कि इन चीजों को पर्दे के पीछे ना छुपाया जाए, मीडिया और नेता भी खुलकर बोले कि इन आंदोलनों की सच्चाई क्या है, क्यों जामिया की दीवारों पर खिलाफत 2.0 लिखा हुआ था, क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं से आजादी का नारा लगाया गया था। ये सवाल हमें पूछने होंगे, और दोस्तों साथ ही हमको भी सड़कों पर उतरना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर जिले में, हर स्टेट में जितने भी लोग नागरिकता कानून के समर्थन में हैं, आइए हम भी सब सड़कों पर उतरें। संसद की लड़ाई हम जीत चुके हैं और सड़क की लड़ाई भी हमें नहीं हारनी है। जय हिंद।